सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ बात करेंगे एमएनएस 2022 के अपडेट्स के बारे में, बीएससी नर्सिंग एडमिशन फॉर्म, हाउ टू अपलोड नीट स्कोर 2022। देखिए, इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, पहले उस नोटिफिकेशन को देखते हैं, फिर कैसे आप नीट स्कोर को अपलोड करेंगे उसके बारे में देखेंगे। देखिए, ये नोटिफिकेशन एक जारी किया गया जो है एमएनएस की तरफ से। कहा गया एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्स फॉर एमएनएस यूजिंग नीट यूजी 2022 स्कोर डेट 8 सितंबर 2022। यानी नीट का रिजल्ट जो है आ चुका है, आप सभी लोग जानते हैं। और इस तरीके से आप यहां पर देखेंगे कि जो नीट का स्कोर है वो अब आपको अपलोड करना है, तो वो आप कैसे अपलोड कर पाएंगे उसके बारे में यहाँ कहा गया। तो जो कहा गया कि जो विंडो फॉर अपलोडिंग विल ओनली बी अवेलेबल फ्रॉम जो है फ्रॉम 2 PM 2 बजे से 8 तारीख को से लेके 12 सितंबर तक, यानी 12 सितंबर तक आप इसे अपलोड कर पाएंगे। तो कैसे अपलोड कर पाएंगे, तो आइए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और उस ऑफिशियल वेबसाइट से आज चीज़ों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको आना है ज्वाइन इंडियन आर्मी, आप यहां पर देख सकते हैं। तो ज्वाइन इंडियन आर्मी में आपको यहां मिलता है इस तरीके का एक इंटरफेस गूगल पर डालने से। आप जैसे ही इसके ओके करेंगे तो इस तरीके से आपसे कहेगा कि आप वेबसाइट पर इंटर करिए, तो ये कोड आपको इंटर करना है। कैपिटल में आप देखेंगे यहाँ पर यू लिखा हुआ है और कैपिटल में एम है और यहाँ पर बी आपको दिख रहा है, तो बी आप देख लीजिए, बी रहेगा, जेड रहेगा और उसके बाद 257 है यहाँ पर, तो 257 आप इसे ओके करिए। जैसे ही आप उसे ओके करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा और यहाँ आप देखिए यहाँ पर नीट यूजी के लिए ब्लिंक करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। आप इसमें देख से यहीं से हमने डाउनलोड किया है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, इस पोर्शन पर आपको टिक करना है। इस पोर्शन पर जैसे ही आप टिक करेंगे तो यहाँ आपको टिक करने के बाद आपको एक नया इंटरफेस यहाँ पर मिल जाएगा और उस नए इंटरफेस में आप देखेंगे कि ओनली फॉर ऑफिसर्स एंट्री। तो यहाँ पर आप यूज़र नेम और पासवर्ड आपको भरना, ये आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है, आप फॉर्म पहले भर चुके हैं, सिर्फ यहाँ पर आपको अपना स्कोर जो है अपडेट करना है कि कितना आप मार्क्स यहाँ पर पाए हैं। तो आइए उसमें कैसे आप यहाँ यूज़र आईडी और पासवर्ड भरेंगे, उसके बाद आपको क्या दिखेगा, आपको कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आप क्या पाएंगे, हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन, आपको अप्लाई वाले पर नहीं जाना है, आपको हिस्ट्री और एप्लीकेशन पर जाना है। इससे जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपको एक नया इंटरफेस यहाँ पर दिख जाएगा और यहाँ आप देखेंगे कि जितने सालों का आपने फॉर्म भरे हैं वो सारे यहाँ पर अपडेट होते हैं और उसमें आपको सबसे नीचे देखिए यहाँ पर मिलेगा जो नर्सिंग 2022 का है, उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर व्यू का ऑप्शन दिखता है आपको। तो इस व्यू के ऑप्शन में आप जब जाते हैं तो यहाँ आपको मिल जाएगा, आप देखिए यहाँ पर अपनी सारी डिटेल भरते हुए, ऑलरेडी कुछ चीज़ें आपको यहाँ और यहाँ सब ऑलरेडी भरी हुई होंगी क्योंकि आप उस फॉर्म में भर चुके होंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको चीज़ें ये भरी नहीं मिलेगी, नीट स्कोर यहाँ भर के सबमिट कर देना है। तो ये चीज़ें करनी है, प्लीज़ नोट योर रेफरेंस नंबर, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू मेक पेमेंट यूजिंग लिंक प्रोवाइडेड। तो लिंक प्रोवाइडेड किया गया है, उसके थ्रू आपको अपना अकाउंट जो है फीस पेड करनी है, फीस पेड करने के बाद यहाँ पर आपको डिटेल भरनी है और यहाँ सारी चीज़ें आप जानते हैं, सारी चीज़ें भरते हुए आप क्लिक हियर टू सबमिट बटन टू कंप्लीट द एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेशंस इनकम्प्लीट विदाउट कंफर्मेशन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, प्लीज़ नोट योर ड्यू नंबर एंड रेफरेंस नंबर। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो यहाँ पर दिए गए हैं इन्हें प्रॉपरली आप पढ़ लीजिए और चीज़ों को प्रॉपर भर के तीनों कॉलम सबमिट कर देना है आपको बिना किसी दिक्कत के और ये फॉर्म आपका स्कोर कार्ड जो है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय